गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोनाउन टॉपिक से कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर एक सेंटेंस आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट सिखाने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वॉन्टेड टू मीट इन द ऑफिस। इस सेंटेंस में आपको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है कि एरर किस पार्ट में होगी। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो द रिसेप्शनिस्ट है और उसने पूछने का काम किया है, ये वर्ब हो गई आपकी, और पूछा किससे है, मुझसे पूछा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक क्लॉज अपने आप में हो गई है, क्योंकि आगे भी इसी तरह के पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। अब रिसेप्शनिस्ट जो मुझसे पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि हु आई वॉन्टेड, मतलब पूछा है और मुझसे पूछा है कि मैं वांटेड चाहता था टू मीट, मिलना, कि मैं किससे मिलना चाहता था, ठीक है ना। तो यहाँ किससे, किससे के लिए यूज किया गया है हु को। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि मिलना चाहता हूँ मैं, आपकी जो वर्ब है वांटेड उसका सब्जेक्ट आई है। अब जिससे मैं मिलना चाहूँगा वो इस वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मीट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ना वो, जिससे मैं मिलना चाहूँगा। Yes. और ऑब्जेक्ट हमें जानना है कि मैं मिलना किससे चाहता हूं। अगर हमें ऑब्जेक्ट जानना है तो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हु नहीं, होम को यूज करना है आपको। होम को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए और हु को यूज किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, हु और होम पर्संस के लिए यूज किए जाते हैं, होम को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, हु को यूज करते हैं सब्जेक्ट वाली फॉर्म में नॉमिनेटिव केस में, ठीक है ना। एक दूसरी ट्रिक इसकी बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि हु सब्जेक्ट होता है, अगर हु कहीं पर आपको यूज करना हो तो देखना कि क्या उस हु के लिए आपके पास में सेपरेट वर्ब है कि नहीं है। यहां पर ट्राई कर लेते हैं इस चीज को कि हमारे पास में हर एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट है या नहीं है। देखिए, यहां पर आपकी फर्स्ट वर्ब आई थी आस्क, आस्क के लिए सब्जेक्ट है आपका रिसेप्शनिस्ट, ठीक है ना। फिर एक वर्ब आई है वांटेड और उस वांटेड वर्ब के लिए सब्जेक्ट है आई, ठीक है ना। अब यहां पर हमने जो यूज किया हुआ है हु, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हु सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, अगर यहां पर हु को यूज करना करेक्ट होता तो इस सब्जेक्ट के लिए आगे कहीं ना कहीं कोई वर्ब जरूर दी गई होती, ठीक है ना, और वो यहां पर गिवन है नहीं। इसका मतलब है हु यहां पर किसी भी कंडीशन में एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा। यहां पर आपको देखो, मैं चाहता हूं मिलना और मिलना किससे है, उस पर्सन को शो करने के लिए जिससे हम मिलेंगे वो मीट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट केस के लिए हु को नहीं होम को यूज करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक कुछ क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे और भी सेंटेंसेस आपको कराता रहूंगा, क्लियर हो जाएंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोगों की हिम्मत, आपका जो स्टेमिना है ना देखने का, सीखने का, वो कम हो गया है। आप टिकटॉक ने जो है ना आपको 25, 30, 40, 50 सेकंड तक का ही बना दिया, बस आपका स्टेमिना इतना रह गया है। सेकंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं, बिटवीन यू एंड ही। देखिए, यहां एक डायरेक्ट पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, आप इसके लिए अपने नोट्स तैयार कर लेंगे। प्रपोजिशन के बाद में जब भी नाउन और प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। प्रपोजिशन के बाद में यूज होने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं बिटवीन यू एंड ही, और ही कौन सी फॉर्म होती है, ही तो सब्जेक्ट वाली फॉर्म है। ही, शी, आई, वी, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट वाली फॉर्म है। और प्रपोजिशन के बाद में इस वाली फॉर्म को कभी यूज नहीं करना है, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म को यूज करेंगे। तो ही की ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म क्या होती होगी, हिम, तो यहां पर आपको हिम को यूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग, और आशा करता हूं कि आप माइंड नहीं करेंगे मेरे आने का, जो मैं आया हूं मेरा आना आपको बुरा नहीं लगेगा। तो आप माइंड नहीं करेंगे, आपको बुरा नहीं लगूंगा, कौन, मैं बुरा नहीं लगूंगा या मेरा आना बुरा नहीं लगेगा, क्या कहना चाह रहे हैं हम, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, आपको डिस्टर्ब मैंने किया है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, होप यू विल नॉट माइंड, और आशा करता हूं कि आप माइंड नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, मी मेरा या मेरे आने का,
मेरे आने का बुरा नहीं मानेंगे। तो आपको एक यहां पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करें, जेरंड वाली फॉर्म को आप यूज करें, इसका नेम जेरंड भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, जब आप इस आईएनजी फॉर्म को यूज करें तो आप इससे पहले पजेसिव केस को यूज करें। पजेसिव केस मतलब माई, आवर, योर, हिज, इस तरह की फॉर्म आप इसके साथ में यूज किया करेंगे, ठीक है ना। तो आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरंड से पहले पजेसिव वाली फॉर्म को यूज करते हैं। आप इस तरह से एक नोट बना लीजिएगा, पजेसिव प्लस जेरंड, जेरंड के साथ में पजेसिव फॉर्म को हम यूज करते हैं। पजेसिव कौन कौन होते हैं, आई के लिए माई होता है, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, दे के लिए देयर, ठीक है ना, इट के लिए इट्स, ये सब आपके पजेसिव होते हैं। और इसके बाद में जेरंड आएगा। जेरंड किसको कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा, विल नॉट माइंड माई कमिंग टू यू, मेरे तुम्हारे पास आने का तुम बुरा नहीं मानोगे। आईएनजी फॉर्म है तो उससे पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जेरंड आएगा। हालांकि मैं ऐसा कोई रूल नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं आएगा, कुछ कंडीशंस हैं जहां पर माई नहीं आता है, ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म भी आ जाती है, वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अभी आप बिगिनर्स लेवल पर हैं, एडवांस लेवल का वो क्वेश्चन हो जाता है जब यहां पर मी भी करेक्ट हो जाता है। सेंटेंस नंबर फोर की बात कर रहे हैं, आई, यू एंड ही। देखिए यहां मैं एक बात बताता हूं कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो तीन पर्सन के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं जिनको स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए यूज करता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है जो हमारे सामने होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। वो सिंगुलर के लिए ही, शी, इट हो सकता है और प्लूरल के लिए दे होता है, ठीक है ना। जब भी आप इन प्रोनाउंस को, एक से अधिक प्रोनाउन को एक साथ सेंटेंस में यूज करें, तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कौन सा वो स्ट्रक्चर है, 2-3-1 का। जब आपके प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में हो, कौन से नंबर में हो, सिंगुलर नंबर में हो, तो आपको 2-3-1 का ऑर्डर यूज करना है, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर आपके प्रोनाउन हो प्लूरल नंबर के, तो फिर आपको ऑर्डर यूज करना है 1-2-3। अगर प्रोनाउन है आपके प्लूरल नंबर के, तो आपको ऑर्डर यूज करना है 1-2-3, ठीक है ना। और इस 1-2-3 को ही हम तब भी यूज करते हैं जब हम किसी चीज को, अपनी किसी गलती को, भूल को, अपराध को स्वीकार करने की बात बताते हैं, है ना। कोई मिस्टेक वगैरह आपसे हो गया है और हम कन्फेशन कर रहे हैं, CONFESSION, कन्फेशन, कोई भूल चूक गलती हुई है, उस अपराध को हम स्वीकार करने की बात करेंगे, तब भी हमारा ऑर्डर 1-2-3 ही रहेगा। और जब हमारे प्रोनाउन प्लूरल होंगे तब भी हमारा ऑर्डर प्लूरल ही रहे, 1-2-3 ही रहेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, और यानी कि 1-2-3 का ऑर्डर बन गया। लेकिन 1-2-3 को तो हम तब यूज करते हैं ना जब प्लूरल नंबर हो, बहुवचन हो, है ना। तो प्लूरल नंबर यहां पर है नहीं, इट मीन्स 1-2-3 का तो यहां पर यूज किया जाना गलत है, क्योंकि ही सिंगुलर को शो करता है, आई सिंगुलर को शो करता है। जब हमारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं तो फिर हमें क्या यूज करना चाहिए, 2-3-1, है ना, 231 हमें यूज करना चाहिए। तो इसको हमें कैसे लिखना चाहिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यू, ही एंड आई, ऐसे लिखना है। गॉट द पॉइंट, क्या बन गया ये, यू, ही एंड आई, ठीक है ना, 231 हो गया आपका ये। चलिए नेक्स्ट वन, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। जो रूलिंग पार्टी थी वह स्टूड थी, जमी हुई थी, खड़ी हुई थी, मतलब है ना, स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, बिल के इंप्लीमेंटेशन के लिए, एंड वॉज रेडी, और वह तैयार भी थी, किसके लिए, टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। स्टेक करना क्या होता है, स्टेक करना होता है दांव पर लगाना, और वह तैयार भी थी दांव पर लगाने के लिए, क्या, देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, अपना राजनीतिक अस्तित्व। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, कैसा, राजनीतिक। अब यहां जो देयर हमने प्रोनाउन को यूज किया है, किसके लिए किया है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस वहां दांव पर लगाने को तैयार थी, कौन, रूलिंग पार्टी। अब जो रूलिंग पार्टी है वो कोई सिंगुलर है कि प्लूरल है, किसी एक चीज को बताता है कि एक से ज्यादा को बताता है, सिंगुलर, भाई पार्टी सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर नाउन के लिए अगर प्रोनाउन यूज करना पड़े तो वो सिंगुलर होता है, रिपीट कर रहा हूं, नाउन अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए।
पार्टी न्यूट्रल जेंडर है उसके लिए देयर नहीं आ सकता। थर्ड पर्सन है भाई, हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? इट होता है, और उसके लिए प्रोनाउन क्या आ सकता है? पजेसिव, इट्स हो सकता है। तो यहां पर देयर यूज नहीं करना है आपको, इट्स यूज करना है, इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। नंबर सिक्स, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी, ऑडियंस को देखो यहां पर प्लूरल में यूज किया गया है, ऑडियंस मतलब श्रोतागण कई सारे हैं, प्लूरल में यूज किया गया है इसलिए प्लूरल वर्ब आई है आर। अब आर हमने यूज किया है तो यानी कि बहुवचन है, ठीक है। आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वे अपनी सीट्स पर बैठ जाए। ये जो अपनी शब्द आया ना इट्स, वो किसके लिए आया है? ऑडियंस के लिए। और ऑडियंस कैसे हैं? प्लूरल नंबर में, बहुवचन में। अगर ये बहुवचन में है तो क्या इसके लिए इट्स आना चाहिए कि देयर आना चाहिए? आप सोचकर बताइए। प्लूरल के लिए देयर आता है, सिंगुलर के लिए इट्स आता है, ठीक है ना। ये जो आपका ऑडियंस है ये कलेक्टिव नाउन है, समूह को बताने वाला वर्ड है। जब आप कलेक्टिव नाउन को यूज करें, समूह को बताने वाले वर्ड्स को आप यूज करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम उस ग्रुप के सभी व्यक्तियों को एक साथ बता रहे हैं कि अलग अलग बता रहे हैं। कलेक्टिव नाउन को बताते समय आप ध्यान करें कि हम सभी को अलग अलग बता रहे हैं कि इकट्ठा बता रहे हैं। अगर हम उन सबको अलग अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो प्लूरल हो जाते हैं, और सबको एक साथ बताने की कोशिश करते हैं एक यूनिट के रूप में तो फिर वो सिंगुलर होते हैं। सो यहां पर आपको देयर यूज करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, लास्ट समर वह गया था अपने अंकल के गांव, एंड ही इंजॉयड, और उसने इंजॉय किया। किस चीज को इंजॉय किया? जिस चीज को इंजॉय किया है वो चीज यहां पर आनी चाहिए। इंजॉय होता है किसी चीज का मजा करना, अब वो चीज यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है नहीं। देखिए एक वर्ब है आपकी एंजॉय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन हैं। तो एंजॉय और एक वर्ब और होती है प्राइड, है ना, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की को यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ वाली फॉर्म। इसको हिंदी में बताता हूं आपको, मैटर क्या है भाई। अगर ऐसा सीन कभी आए कि एक्शन का डूअर ही एक्शन का रिसीवर हो, एक्शन का डूअर ही एक्शन का रिसीवर हो, तो हमें सेल्फ वाली फॉर्म को यूज करना चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप कहते हैं, देखो जैसे हम कहें कि राहुल दौड़ रहा था और उसने दौड़ते हुए अपने चोट मार ली या चोट लगवा ली, तो चोट लगाने वाला कौन? राहुल। चोट लगी किसको? राहुल को, यानी कि सब्जेक्ट भी राहुल और ऑब्जेक्ट भी राहुल। तो जब एक्शन का डूअर ही एक्शन का रिसीवर हो, जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट की तरह एक्शन को, एक्शन से प्रभावित हो, तो हमें सेल्फ वाली फॉर्म को यूज करना चाहिए। कुछ वर्ब है आप याद रख सकते हो, जैसे इंजॉय और प्राइड तो मोस्टली यूज होती हैं। तो यहां पर इंजॉयड के बाद में या तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए या सेल्फ वाली फॉर्म आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेल्फ वाली फॉर्म को यूज करेंगे, ही इंजॉयड हिमसेल्फ हमें कहना होगा। या तो ऑब्जेक्ट आता या फिर सेल्फ वाली फॉर्म आएगी। जैसे एक सेंटेंस आपको बताता हूं, मैंने कहा वी इंजॉयड द पार्टी, हमने पार्टी को इंजॉय किया। किस चीज को एंजॉय किया? पार्टी को। तो पार्टी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर हम कहें वी इंजॉयड इन द पार्टी, हमने पार्टी में एंजॉय किया। एंजॉय किस चीज को किया भाई? पार्टी तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई, एंजॉय वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं आया ना। अगर एंजॉय वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो हमें सेल्फ वाली फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें क्या बोलना पड़ेगा? आवर सेल्फ बोलना पड़ेगा, बल्कि आवर सेल्फ मैंने आपको बताया है। अब ये वी के साथ में, वी क्योंकि प्लूरल है, अब प्लूरल जब भी आप यूज करें तो सेल्फ नहीं सेल्स वाली फॉर्म यूज करेंगे। तो वी के साथ में क्या यूज करना चाहिए? आवर सेल्व्स। बहुवचन अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो फिर सेल्व्स लिखना चाहिए, SELVES। नेक्स्ट, ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन मी, यानी कि उसने आंसर दिया ज्यादा क्वेश्चंस का मुझसे ज्यादा। यानी कि आंसर्स तो मैंने भी दिए थे और आंसर्स उसने भी दिए हैं, तो आंसर देने वाला कौन है? एक तो ही है, और एक आंसर किसने दिए थे? आंसर मैंने भी दिए थे, लेकिन उसने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए, ठीक है ना। यानी कि हम यहां पर तुलना कर रहे हैं दो सब्जेक्ट के बीच में, एक आंसर देने वाला वह, एक आंसर देने वाला मैं, हम दोनों में से उसने ज्यादा आंसर दिए हैं। तो यहां जो कंपेरिजन हम कर रहे हैं दो सब्जेक्ट में कर रहे हैं, एक्शन के डूअर में कर रहे हैं। अब जब हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म मी नहीं आनी चाहिए थी,
यहां पर सब्जेक्ट वाली फॉर्म ही आएगी आई। क्वेश्चन की सेंस ऐसे बनेगी, ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन आई आंसर्ड, है ना, ये अंडरस्टूड होगा आंसर्ड। उसने मोर क्वेश्चंस का आंसर किया जितने आंसर्स मैंने दिए। मैं भी आंसर देने वाला हूं, मैं भी सब्जेक्ट का एक्शन का डूअर हूं, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर मी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन। देखिए एक पॉइंट ध्यान देने लायक है, दो के लिए हम नाइदर और आइदर को यूज करते हैं। दो के लिए जब दो से ज्यादा की बात होती है तो हम नन को यूज करते हैं, नन और एनी को यूज करते हैं जब हम बात करते हैं दो से ज्यादा की, ठीक है ना, नोट कर लेंगे आप इसको। मोर देन टू के लिए नन आएगा या एनी आएगा, और केवल टू के लिए नाइदर आएगा या फिर आइदर आएगा, ठीक है ना, ये नोट्स बना लेना आप। यहां पर नाइदर और आइदर को यूज करते हैं जब बात होती है टू की, दो से ज्यादा की होगी तो नन आ जाएगा या एनी आ जाएगा। चलिए, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सैड देयर, देखिए यहां सैड देयर प्रेयर, दोनों बच्चों में से किसी ने अपनी प्रेयर नहीं कही, अपनी पूजा पाठ पूरी नहीं की। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी नहीं। जब आप नाइदर को यूज करें ना तो इसका मतलब आप कह रहे हो दोनों में से कोई एक भी नहीं। जब आप आइदर को यूज कर रहे हैं तब आप कहते हैं दोनों में से कोई एक, यानी कि इसका मतलब आप वन टाइम में वन की बात कर रहे हैं। जब आप वन टाइम में वन की बात कर रहे हैं और आपको ऐसी कंडीशन में प्रोनाउन अगर यूज करना पड़े, अगर आपको प्रोनाउन यूज करना पड़े तो जो प्रोनाउन होगा वो प्लुरल नंबर का नहीं होगा, वो सिंगुलर नंबर का होगा, और सिंगुलर नंबर के लिए थर्ड पर्सन ही जाएगा। एक के लिए ही जा सकता है, एक से ज्यादा के लिए आता है देयर। और जब हमने कहा नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, यानी कि दोनों लड़कों में से किसी एक ने भी नहीं, इट मीन्स हम वन टाइम में वन की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात वन की कर रहे हैं तो फिर हमारा जो प्रोनाउन होना चाहिए वो सिंगुलर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 12, ओके, नंबर 11 है हमारा सेंटेंस यहां, नंबर 10, सॉरी यहां पर ये एडिट नहीं हो पाया। नंबर 10, ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल, मेंबर्स को प्लुरल में यूज कर रहे हैं, ऑल कहा गया है। All the members in the council began shouting at each other. देखिए यहां each other से related एक बात बताता हूं। Each other हम तब यूज करते हैं जब बात केवल दो की होती है, ऐसे नोट बना लेना, each other arrow mark करके two लिख लेना। जब हम दो लोगों के लिए बात करते हैं ना एक दूसरे को, इसका मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे को, एक दूसरे के अर्थ में दो के लिए आता है each other, और दो से ज्यादा के लिए आता है वन अनदर। वन अनदर को हम यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू के लिए, फॉर मोर देन टू, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको भी आप। तो यहां पर ऑल द मेंबर्स कहा गया है, यानी कि दो से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा के लिए फिर ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग, उसको कोई राइट नहीं है इस मीटिंग को अटेंड करने का, सिंस क्योंकि ही हैज नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम, क्योंकि उसको इनवाइट नहीं किया गया इसके लिए। इसके लिए किसके लिए, मीटिंग के लिए। देखिए हमने यहां पर मीटिंग के लिए फिर से प्रोनाउन यूज किया फॉर द सेम। आपको ध्यान रखना है कभी भी सेम प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता है, सेम प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता है, तो यहां पर हमें इट प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग, उसे इस मीटिंग को अटेंड करने का अधिकार नहीं है, सिंस क्योंकि, सिंस का मीनिंग बिकॉज भी होता है, क्योंकि He has not been invited for it, क्योंकि वह इसके लिए अर्थात मीटिंग के लिए बुलाया नहीं गया है। जब हम सिंगुलर चीज की बात करते हैं तो उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज करेंगे, सेम कभी भी प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता है। आप एक नोट बना लीजिएगा कि सेम और प्रोनाउन का फंक्शन कभी नहीं करता है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, नंबर 12, इट वॉज मी Who was responsible? वह मैं ही था जो जिम्मेदार था। देखिए एक्शन तो यहां हुआ नहीं है कोई, इट वॉज मी, मैं ही था, एक्शन नहीं हो रहा ना। जब एक्शन नहीं हो रहा तो उसको रिसीव भी कोई नहीं कर रहा है, यानी कि जो हमारी वर्ब है ना इज आर एम वाज वर, ये नो एक्शन वर्ब होती हैं। कैसी होती हैं, नो एक्शन वर्ब। नो एक्शन वर्ब के बाद में केवल सब्जेक्ट वाली फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाली फॉर्म को यूज करते हैं नो एक्शन वर्ब, इज आर एम वाज वर के साथ में। तो यहां पर हमें बोलते हैं इट वाज आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म को तो तब यूज करना है जब कोई एक्शन हुआ हो और कोई उसका ऑब्जेक्ट बना हो, तो
तो इट वॉज आई कहना चाहिए, आपको बताया गया है इज आर एम वॉज वर के बाद में अगर सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन आएगा इज आर एम वॉज वर के बाद में आई आ सकता है, वी आ सकता है, ही शी हो सकता है, दे हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो भी आएगा वो सब्जेक्ट वाली फॉर्म में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी प्राइड्स ओन, देखिए प्राइड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वह प्राइड करती है ओन हर ब्यूटी, वह घमंड करती है, किस पर करती है, अपनी ब्यूटी पर करती है। तो प्राइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन ओन का ऑब्जेक्ट तो ब्यूटी है, तो प्राइड के साथ में भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सेल्फ वाली फॉर्म का यूज करना चाहिए, ध्यान रखना आप इसको। तो आप कहेंगे शी प्राइड्स हर सेल्फ, ए पार्ट में एरर है, शी प्राइड्स हर सेल्फ आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। एक प्राइड है और एक आपका इंजॉय है। नेक्स्ट, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट ऑफ हिज थ्री सन्स, लेकिन उसके तीन बेटों में से, तीन की बात हो गई दो से ज्यादा की, और दो से ज्यादा के लिए नाइदर नहीं आता, नाइदर हैज एनी मेरिट, दो से ज्यादा, तीन की बात हो गई, दो से ज्यादा के लिए नन को यूज करना चाहिए, ऐसा भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर, देखिए बात टू की हो तो वन अनदर नहीं आता, ईच अदर आता है, यह भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ईच अदर को यूज करते हैं दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए आता है वन अनदर, ठीक है, नोट आप करते रहिएगा। 16, नाइदर रमेश नोर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क, ना तो रमेश ने ना राजेंद्र ने अपना काम किया है। अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेक्शन में पढ़ा था कि आइदर और नाइदर नोर अगर से जोड़े गए हों दो सब्जेक्ट, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है वो रियल सब्जेक्ट होता है, तो यानी कि जो राजेंद्र है ये हमारा रियल सब्जेक्ट है। जो भी वर्ब आएगी, जो भी प्रोनाउन आएगा, वो इसी के अनुसार आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर राजेंद्र के अकॉर्डिंग है जाया है, अब उसी के अकॉर्डिंग आएगा प्रोनाउन, क्या राजेंद्र के लिए क्या आ सकता है, हिज। तो सेंटेंस हो गया नाइदर रमेश नोर राजेंद्र हैज डन हिज वर्क, ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट होगा, क्योंकि एक बार में हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, राजेंद्र के अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, इट वॉज हिम, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि नो एक्शन वर्ब इज आर एम वॉज वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म नहीं आती है, सब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है, तो ही आएगा, इट वॉज ही। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसको बताया कि आई हैड अवेल्ड, अवेल अवेल को भी उस लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, अवेल के साथ में भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, आई हैड अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ, इसके साथ में ऑफ भी आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है, अवेल प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑफ, ऐसा आप नोट कर सकते हैं, इस तरह से एक नोट बना लीजिएगा, अवेल प्लस सेल्फ वाली फॉर्म प्लस ऑफ, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट, यानी कि बी पार्ट मैरर है, ठीक है ना, अवेल्ड माई सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ द टीचर इज गुड, एक टीचर के बारे में कह रहे हैं, अगर टीचर कोई अच्छा हो तो द स्टूडेंट्स विल रिस्पोंड, तो स्टूडेंट्स भी रिस्पोंड करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे पॉजिटिवली, अच्छे ढंग से, टू देम उनके प्रति, किनके प्रति, ये देम किसके लिए आया है, टीचर के लिए, और टीचर कैसे हैं, सिंगुलर, जब ये सिंगुलर हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट आएगा, एक ही टीचर है तो हिम आना चाहिए, ठीक है। चलिए, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग विच ही हैड, मेरे पिता ने मुझे दिया है सब कुछ जो उनके पास था। देखिए जब भी आप किसी अनिश्चित चीज के बारे में बात करेंगे, इनडेफिनिट आपका अगर सब्जेक्ट होगा, भाई एवरीथिंग में कौन कौन सी चीजें हैं वो तो काउंट नहीं हुई ना, इनडेफिनिट सब्जेक्ट होने पर आप विच को यूज नहीं करेंगे, इनडेफिनिट सब्जेक्ट होने पर आपको क्या यूज करना है, दैट यूज करना है, जब सब्जेक्ट अनिश्चित हो तो हमें दैट का यूज करना चाहिए, ठीक है, नोट हो गया। एक पॉइंट और बता देता हूं, हम दैट को यूज करते हैं कब, जब थिंग वाला कोई वर्ड हो, बॉडी वाला कोई वर्ड हो, एवरीबॉडी समबडी नोबडी, जब कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, द बिगेस्ट है ना, द हाईएस्ट, उस तरह के वर्ड आए हों, या कोई क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है ना, तब हम दैट को यूज करते हैं, और सेम और सच के साथ भी हम दैट को ही यूज करते हैं, ये नोट बना लीजिएगा आप, इनके लिए हम विच को यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर एवरीथिंग आया हुआ है, एवरीथिंग के लिए प्रोनाउन यूज किया जाएगा दैट,
एवरीथिंग दैट ही हैड, प्रत्येक वह चीज जो उनके पास थी। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि जो सेल्फ वाली फॉर्म है वो कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकती है। सेल्फ वाली फॉर्म ना सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकती है ना ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकती है। नोट कर लीजिएगा, सेल्फ वाली फॉर्म ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट ही आएगा, आई, आई एंड गोपालन ऐसा कहेंगे। एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में हर एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को अलग अलग करके बताया गया है, ऑनेस्ट है एंड डज और करता है अपना काम। अपना काम जब एक एक को हम अलग अलग करके बता रहे हैं तो उसके लिए ही जाना चाहिए। देयर तो प्लूरल के लिए आता है ना, दे के लिए आता है ना देयर, तो अब एवरीबडी को हम देयर दे थोड़े कह सकते हैं ना, उसको तो ही बोल सकते हैं ना, एक एक व्यक्ति को अलग अलग करके बता रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। देखिए इट के साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर ही आती है। अब यहां कहा गया कि तुम और मैं हैं जो दोषी हैं, ब्लेम करते हैं इस दुर्घटना के लिए। मैंने कहा था अगर अगर कोई कन्फेशन किया जाए, अपराध को स्वीकार किया जाए, भूल चूक गलती को स्वीकार किया जाए, तो जो ऑर्डर होता है वो 1 2 3 होता है। मिस्टेक को, अपनी गलतियों को कन्फेस करने के लिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए हम 1 2 3 के ऑर्डर में लिखते हैं। तो इट इज यू एंड आई नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा ये, आई एंड यू होगा। इट इज आई एंड यू हु आर टू ब्लेम। नेक्स्ट, ही इज द सेम पर्सन, यह वही व्यक्ति है, सेम पर्सन हु वॉज प्रेजेंट। मैंने कहा था कि सेम के साथ में हु नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, सेम के साथ में दैट आता है, ठीक है। अभी तो पढ़ा था ना सेम और सच के साथ में दैट आता है, तो हु नहीं आता है, सीधी सी बात यही है। सेम के साथ में हु और विच, देखिए टू वर्ड्स आपको बता रहा हूं, एक सेम और एक सच, इनके साथ में कभी भी हु और विच को अगर यूज किया गया होगा तो उसी पार्ट में एरर होगी, बस इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 26, महात्मा गांधी टॉट अस दैट, महात्मा गांधी ने हमें बताया कि वन शुड रिस्पेक्ट, वन मींस एवरीवन, हर एक व्यक्ति को कह रहे हैं अलग अलग करके, शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स, धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑफ अदर्स दूसरे लोगों के, एज मच एज हिज ओन, उतनी ही जितनी की अपने की करते हैं। देखो आपको एक ध्यान रखना है, वन के साथ अपने की जो अंग्रेजी आएगी ना वो हिज नहीं आएगी, वंस आएगी। वन का पजेसिव केस वंस होता है, नोट कर लें, क्या कहा मैंने, वन का पजेसिव केस वंस होता है, नोट कर लें। तो यहां पर इसी पार्ट में एरर है, हिज नहीं आएगा, वंस आ जाएगा। नेक्स्ट, ही यू एंड आई, देखिए थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, 321 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने क्या पढ़ रखा है, 231 पढ़ा हुआ है या 123 पढ़ा हुआ है, ये कौन सा है, 321, 321 होता नहीं है, इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। क्या करेंगे, यू ही एंड आई हो जाएगा, इसे ही को यहां रख देंगे। नेक्स्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन, डिफिकल्ट नहीं होता है बिलीव करना कि कोई व्यक्ति हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो यहां पर रहा हो इस शहर में लंबे समय तक, ही विल नेवर फील एट होम। देखिए यहां पर अभी, यहां पर सेंटेंस था आपका दैट ए मैन, एक मैन, और इसके बारे में यहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फिर से देख लीजिएगा इस सेंटेंस को आप पढ़ना, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट, दैट से पहले एक अलग क्लोज थी, दैट के बाद एक दूसरी अलग क्लोज शुरू हुई, जब अलग क्लोज शुरू हुई तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ए मैन एक व्यक्ति, हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहां हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये जो है ना ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, पूरी क्लोज यहां से यहां तक, टाइम से लेकर हु तक की क्लोज जो है ना ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उस मैन के बारे में, ठीक है। तो अब यहां पर आगे दी गई है वर्ब, विल नेवर फील, कभी फील नहीं करेगा, तो यहां पर इन्होंने प्रोनाउन ही को दिया गया है। जब इस व्यक्ति, इस मैन के बारे में अभी वर्ब आई ही नहीं है, इसके बारे में हमने एडजेक्टिव तो बोला था अभी तक, कोई दूसरा वर्ड तो हमने यूज नहीं किया, तो जब तक इस मैन के बारे में हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, कोई वर्ब हमने यूज की ही नहीं है, तो इसके लिए कोई प्रोनाउन हम एक्स्ट्रा में यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ही को सुपरफ्लुअसली यूज किया गया था, इस ही को यहां से आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में 28 सेंटेंस हमारे हो गए हैं, आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये जो हमारी क्लासेज होती हैं आप इनको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहिए, और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, आप उस पर कुछ डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप सर्किल में सभी को बताइए कि वो गूगल प्ले स्टोर से
इंग्लिश बाय अश्विनी सर करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सभी वीडियोज बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। ओके okay?